मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा की, कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दे डाली है। दरअसल खाद की कमी की शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की, अधिकारियों से कह दिया है कि खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कृषि मंत्री, मुख्य सचिव वीरा राणा, कृषि उत्पादन आयुक्त सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने खाद बीज की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी। वहीं मध्य प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता और वितरण को लेकर सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री एदिल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव वीरा राणा, ACS मोहम्मद सुलेमान, सीएम के OSD राजेश राजौरा, ACS अशोक वनवाल समेत कृषि विभाग के आला अफसर मौजूद रहे। सीएम की इस बैठक में सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करके सरकार को घेरने का प्रयास किया। दिग्विजय ने लिखा कि MP का किसान हर दिन एक नई समस्या से जूझ रहा है। पहले तो सोयाबीन के सही दाम नहीं मिले और अब सरकार के कुप्रबंधन की वजह से रही सही कसर DAP की अनुपलब्धता से निकल रही है। हमारी मांग है कि सरकार किसानों को आवश्यक रूप से DAP उपलब्ध कराए, जिससे गेहूं, सरसों व दलहन आदि की अच्छी पैदावार हो। दिग्विजय के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी भी हमलावर नजर आई। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारत सरकार की ओर से DAP का आवंटन बढ़ाकर 8 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि रबी 2024-25 के लिए 6 लाख मेट्रिक टन DAP के आवंटन की सहमति दी गई थी। DAP की जगह पर NPK के उपयोग के लिए जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।